हेलो एवरीवन इंग्लिश प्रोज क्लास नाइन्थ सामरी इन इंग्लिश प्लेइंग द गेम ये चैप्टर का नाम है एवरीबडी इन द फैमिली वाज एक्साइटेड फॉर एलन वाज चूजन टू प्ले इन द स्कूल क्रिकेट मैच एलनस मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ एंड कॉल हिम आउट टू डू हिज बेस्ट हिज फादर विद होम एलन हैड प्रैक्टिसड बॉलिंग फॉर वीक्स Promised to buy him a new bicycle if his side won the match. On his way to the sports ground, Alan saw a very old man leaning heavily on his stick. The old man requested Alan to let him take his arm and see him home. Thinking that he would make up the time he would lose in helping the old man by running, Alan decided to help him. But the old man leaned too heavily on Alan's strong little arm and tottered like a baby. Alan was growing more and more anxious as minutes passed by and they were still a long way off. Meanwhile, a policeman came there. He understood Alan's problem and agreed to see the old man home. Alan ran as fast as he could, but the game had started. The teacher, who was standing just inside the entrance, told Alan angry, angrily that they had put in young Harold Banks in his place and he was bowling well. Poor Alan returned home slowly and sadly. When Alan reached home, his father, who had come to know Alan's kind act from the policeman, patted on his back and said, Bravo, Alan.

एलन की माँ उसके एलन की माँ उसे छोड़ने के लिए दरवाज़े तक आई और उसे पूरी कोशिश करने के लिए कहा उसके पिता जिनके साथ एलन ने कई सप्ताह तक अच्छी तरह से गेंद फेंकने का अभ्यास किया उन्होंने उससे वादा किया कि अगर उसकी टीम जीती है तो वे उसे एक नई साइकिल खरीद कर देंगे खेल के मैदान को जाते समय एलन ने एक वृद्ध व्यक्ति को अपनी छड़ी पर पूरी तरह बोझ डालकर चलते हुए देखा वृद्ध व्यक्ति ने एलन से प्रार्थना की कि वह उसे अपनी भुजा पर सहारा लेने दे तथा घर छोड़ दे यह सोचकर कि जितना समय वृद्ध व्यक्ति की सहायता करने में लगेगा वह भागकर पूरा कर लेगा एलन उसकी मदद करने का निश्चय करता है लेकिन वृद्ध व्यक्ति एलन की मजबूत भुजा पर भारी बल दे रहा था और एक बच्चे की तरह लड़खड़ाते हुए चल रहा था समय के बीतने के साथ साथ एलन की चिंता बढ़ती जा रही थी और अभी शेष रास्ता काफ़ी लंबा था तभी वहाँ एक पुलिसमैन आया उसने एलन की समस्या को समझा तथा वृद्ध व्यक्ति को घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया एलन जितनी तेज़ हो सकता था दौड़ा परंतु खेल शुरू हो चुका था प्रवेश द्वार के पास जो अध्यापक खड़े थे उन्होंने एलन को गुस्से में बताया कि उन्होंने एलन के स्थान पर यंग हेरल्ड बैरक्स को रख लिया है और वह अच्छा खेल रहा है बेचारा एलन उदास होकर धीरे, धीरे धीरे घर की ओर लौट गया जब एलन घर पहुंचा उसके पिता ने जो पुलिसमैन से उसके दयालुता के कार्य के विषय में जान चुके थे उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा शाबाश एलन हमें तुम पर गर्व है वादे के अनुसार मैंने तुम्हारे लिए साइकिल खरीदी है अगले दिन जब एलन कक्षा में गया उसके सहपाठियों ने एलन के लिए तीन बार जोर ज़ोर से हर्षनाथ किया वे उसके दयालुता के कार्य को जान गए थे फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग